राज्य में जल्द ही 10,000 पदों पर बहाली की जानी है। मिली जानकारी के अनुसार संविदा पर होने वाली कर्मचारियों की यह बहाली फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि जल्द ही विभिन्न विभाग अपने यहाँ खाली पड़े पदों पर लोगों को भरने की प्रक्रिया की शुरुआत करें। सरकार ने इसके लिए सभी विभागों को खाली पड़े पदों की सूची तैयार कर सरकार को भेजने का निर्देश दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 10,000 पदों पर जो भर्ती की जानी है वह भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग में किया जाना है, जिसे लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया दीपावली से पहले शुरू कर दी जाएगी। इस बहाली के तहत 8200 पद सिर्फ अमीन के लिए होंगे, बल्कि बाकी बचे पदों पर विशेष सर्वेक्षण, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून नगो व लिपिक के लिए बहाली की जाएगी। सरकार के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरे बिहार में अगले साल यानी कि 2023 के शुरू में एक साथ भूमि सर्वेक्षण के सभी कामों को शुरू कर दिया जाएगा और 2024 तक इन कामों को खत्म भी कर लिया जाएगा। बताते चले कि इन 10,000 पदों पर बहाली को लेकर एक सप्ताह के अंदर के पद व रिक्तिकार विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है। यह फैसला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता के अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। मंत्री आलोक कुमार मेहता के अनुसार महागठबंधन सरकार की यह प्राथमिकता है कि भूमि सर्वेक्षण को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इसके लिए 10,000 सर्वे कंपनियों की बहाली की जाएगी। इसे निर्धारित समय सीमा के अंदर भू सर्वे का काम किया जाएगा और साथ ही अगले साल शिविरों की संरचना में भी परिवर्तन किया जाएगा। परिवर्तन किए जाने के बाद शिविर छोटा हो या बड़ा, उसमें केवल एक ही शिविर होगा। बता दें कि प्रत्येक शिविर प्रभारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 2 कानून नगो, 2 लिपिक और हर 4 मौजा या 1 गांव पर एक अमीन की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के द्वारा बताया गया है कि भाल कर्मियों को फरवरी में प्रशिक्षित कर सभी 38 जिलों में तैनात कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वे के तुरंत बाद चकबंदी कार्य पूरा करने की भी योजना है और इसका काम भी कर्मियों से ही कराया जाएगा। इधर दूसरी ओर इमरजेंसी सेवाओं के लिए जारी की गई नंबर 112 लोगों के लिए जीवनदायी साबित हो रही है। अब जल्द ही इस सेवा को गाँव तक पहुँचाने की भी योजना बनाई जा रही है, जिसे लेकर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के तहत दिसंबर तक दूसरे चरण की शुरुआत कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिस्पांस टाइम 14 मिनट का होगा। इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर लिया जा चुका है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि इसके दूसरे चरण की शुरुआत करने के लिए करीब 18,000 कर्मियों की जरूरत पड़ सकती है। शुरू में इनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी और बाद में बहाली के जरिए स्थायी नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ 1800 वाहनों का भी खरीदारी किया जाएगा और अन्य इमरजेंसी सिस्टम को जोड़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।